गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। टुडे वी विल टॉक अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल मिक्स, मतलब ब्लेंड। आज मान लो हमको 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख रुपए में कितना इक्विटी होगा, कितना डिबेंचर होगा, ये मेरे को जानने का है, ठीक है ना। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस proportion of debt and equity in raising funds अभी मान के चलते कि preference मतलब debenture और retained earning is a part of equity। चार sources of finance होता है, डेप्ट, प्रेफरेंशियल, इक्विटी, रिटर्न अर्निंग। तो रिटर्न अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंशियल को डिवेंचर मान लो एक तरीके से। तो द कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी इन रेजिंग फंड्स। कितना परसेंटेज ऑफ डेप्ट होगा, कितना परसेंटेज इक्विटी होगा। आज मान लो हमको 10 लाख रुपए चाहिए, राइट। किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए एक मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, उतना तो मिनिमम पेड अप कैपिटल होना पड़ेगा, प्लस डेप्ट। लोन भी आप एक सर्टेन परसेंटेज तक ही ले सकते हैं। आप अपना 1 लाख रुपए लगाए और बैंक को बोले 10 लाख रुपए लोन दो, नॉट पॉसिबल। डेप्ट इक्विटी 10 टाइम्स हो जाएगा। अपना 1 लाख रुपए लगाए, बैंक को बोलेंगे 2 लाख रुपए देने, बैंक दे भी देगा। 2:1 स्टैंडर्ड डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। तो सर 10% डेप्ट, 90% इक्विटी, 20% debt, 80% equity, 30% debt, 70% equity, 50% debt, 50%। तो अलग अलग combinations हो सकता है। इसमें से best combination कौन सा है, उसको अपने बोलते हैं optimum capital structure। क्या बोलेंगे? Optimum capital structure is that combination of debt and equity, optimum capital structure is that combination of debt and equity where cost of capital is minimum। सबसे सस्ता फंड्स कौन से कॉम्बिनेशन में मिल सकता है एंड वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम। कॉस्ट मिनिमम होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम ही आएगा। ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं, विच इज KO ऑब्लिक WACC, कैसे आएगा? वेट ऑफ डेप्ट इनटू कॉस्ट ऑफ डेप्ट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसे ही तो करते हैं ना हम लोग, डब्ल्यू इंटू के, फिर सारा डब्ल्यू इंटू के को जोड़ देते हैं।
ठीक है। हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ फर्म, इसको अपने वीएफपी बोलते हैं शॉर्ट में, इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ध्यान से समझना, एक बार सपोज टैक्स नहीं है, लेट अस अज्यूम, इसमें अज्यूम किया जाएगा क्योंकि ये जो भी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जितना भी इसमें काफी सारा थ्योरीज होता है, कोई आदमी कुछ बोलेगा, कोई आदमी कुछ बोलेगा, राइट कोई आदमी बोलेगा कोई भी कॉम्बिनेशन रखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट रहता है, चेंज होता ही नहीं है। कोई आदमी बोलेगा नहीं, आप कॉम्बिनेशन चेंज करते जाइए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता जाएगा, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो अलग अलग थ्योरीज है, तो उन सब थ्योरीज में कॉमन अजम्पशंस होते हैं कि टैक्सेस नहीं है, अज्यूम करो। सो अगर मैं आपको जस्ट खाली बता रहा हूं केडी का फॉर्मूला क्या था, आई बाय आईपी एक बार इंटरेस्ट खाली कंसीडर करो, टैक्स नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं आईपी क्या होगा, आई बाय केडी, और आईपी तो होता है मार्केट प्राइस। तो अगर मेरे को कोई पूछेगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे आया, मैं उसको बोल दूंगा इंटरेस्ट बाय केडी। और यहां पे पफेस, पफेस होता है टोटल अर्निंग्स, जैसे अर्निंग पर शेयर होता है ना, वैसे टोटल अर्निंग को पफेस बोला जाता है, टोटल अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय केई। याद है ना केई का फॉर्मूला क्या है, ई बाई पी जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी जीरो इक्वल्स टू ई बाई के ई, तो वही हो रहा है पफेस बाई के ई। बेसिकली अपन को मार्केट वैल्यू निकालना है, इन्वेस्टर्स आर गेटिंग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यू गेट द मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। Earnings divided by cost of equity, you get market value of equity. Or EBIT, EBIT का मतलब होता है earnings before interest and tax. By KO. This is formula one and this is formula two. Income statement आप लोग को मालूम है ना, how we prepare income statement, just एक knowledge बताओ। Sales लेते हैं अपन, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होता है, क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होगा, है ना, क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसी को ईबीआईटी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बहुत लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड कर देता है, इंटरेस्ट इनकम ऐड कर दिया, तो ये आ गया ईबीआईटी, क्या आ गया ईबीआईटी।
इसमें से मैं इंटरेस्ट लेस करूंगा, क्या आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से फिर टैक्स लेस करूंगा, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट ही अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, बचा हुआ अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है। लेकिन मैंने क्या अज्यूम किया कि डिवेंचर ही है, प्रेफरेंस नहीं है, तो नेट प्रॉफिट ही अर्निंग्स हो जाएगा। फर्दर मैंने यह भी अज्यूम किया कि टैक्सेस नहीं है, मतलब ईबीटी मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, टैक्स तो नहीं है ना। मैंने यह भी अज्यूम किया कि देर आर नो इन्वेस्टमेंट्स, जो भी पैसा मैं अपने धंधे पे लगा रहा हूं, एक होता है मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगा, एक होता है मैंने अपने सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट खरीदा है। तो इस चैप्टर के लिए अगर मैं नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बचपन से अपन बनाते आ रहे हैं, राइट, बहुत सिंपल है, सेल्स लेस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आया, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यही मेरा ईबीआईटी आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यही मेरा ईबीटी है, यही मेरा नेट प्रॉफिट है, और यही मेरा पफेस है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि टैक्स है नहीं, प्रेफरेंशियस है नहीं। सो दिस इज हाउ, ये लेस होता है, ये लेस होता है, ये लेस होता है। अगर मैं वैल्यू ऑफ डिबेंचर, वैल्यू ऑफ इक्विटी अलग अलग निकालना चाहता हूं, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी करने से मेरा वैल्यू ऑफ डेप्ट आ जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय केई करने से मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। और अगर मेरे को डायरेक्टली निकालना है तो ईवीआईटी को डिवाइड बाय केओ कर दूंगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली निकालना है तो इंटरेस्ट बाय केडी, परफेस बाय केडी, दोनों तरीके से वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम रखना है, इसको मिनिमम रखना है, इसको मैक्सिमम रखना है। ठीक है, तो एक बार अपने वैल्यू ऑफ फर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। सिंपल फंडा समझो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। जहां मिनिमम होगा वही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। सम थ्योरीज से कैपिटल स्ट्रक्चर एफएक्स केओ।
सम थ्योरी से कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट के ओ। यहां पे दो है, नेट इनकम अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच तो दो थ्योरी बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा। दो थ्योरी बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मोदी MODIGLIANI मिलर अप्रोच? ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कुछ कुछ अजम्पशंस हैं, कोई भी थ्योरीज, इकोनॉमिक्स का थ्योरी पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, अजम्पशंस होता है। अजम्पशंस क्या क्या है? नो टैक्सेस, ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक डेप्ट, दूसरा इक्विटी। केडी हमेशा केई से कम होगा, जाहिर सी बात है। डिबेंचर होल्डर का जो मांग है वो इक्विटी शेयर होल्डर से कम होना ही है। रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर does not change with the
कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, मतलब अभी हम लोग एनआई अप्रोच पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अजम्पशंस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा, अभी हम लोग एनआई अप्रोच पढ़ रहे हैं, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर विल अफेक्ट केओ। तो एनआई अप्रोच क्या बोलता है, टैक्सेस नहीं है, खाली दो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, डेप्ट एंड इक्विटी। केडी हमेशा केई से कम होगा और केडी एंड केई कांस्टेंट रहेगा एट एनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एनआई अप्रोच क्या बोलता है, ये तो अजम्पशन हो गया। कुछ कुछ थ्योरी बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन चेंज करो कॉस्ट चेंज होगा, कुछ कुछ बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करो कॉस्ट चेंज नहीं होगा। तो पहले अपने एनआई अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो एनआई अप्रोच का ये सब अजम्पशन है। Under this approach, with the introduction of more and more debt in the capital structure, KO decreases. डिबेंचर सस्ता है ना इक्विटी से, एंड वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस। ठीक है, इसका ड्राइंग देखो, परसेंटेज ऑफ डेब्ट इन टोटल कैपिटल, बोला 10% डेब्ट ले लो, 20% ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, कुछ भी ले लो, केडी कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी ले लो केडी। मतलब आज सपोज तुम किसी से लोन लिया, अब तुम दोबारा जब लोन लेने जाएगा तो सामने वाला पूछेगा क्या तुम्हारा पहले का कोई लोन लिया हुआ है, बोलेगा हाँ लिया हुआ है, कितना परसेंट में लिया हुआ है, बोला 10% में, बोला हम तुमको लोन देंगे लेकिन 13% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट यहां पे ऐसा नहीं है, तुम 10% मांग करो, 20% मांग करो, 30%, 30%, 40%, मतलब 10 लाख में तुम 1 लाख डिबेंचर से लो, 2 लाख लो, 3 लाख लो, 4 लाख लो, 5 लाख लो, 6 लाख लो, 7 लाख लो, 8 लाख लो, कुछ भी लो, मिनिमम इक्विटी तो छोड़ना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। वॉट एवर इज योर कॉम्बिनेशन, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। फर्दर क्वेश्चन में यह भी बोला है इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन भी सेम रहेगा, पागल है क्या, एक कंपनी में 10% डिबेंचर है, मतलब 10 लाख में 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, और एक कंपनी में 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए का डिबेंचर है, तो सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा हुआ, जिसमें 8 लाख का डिबेंचर है, कल को कंपनी डूब गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। डिबेंचर सस्ता होता है ये मालूम है मेरे को,
सपोज करो यहाँ पे अपने 10% ले लेते हैं या अपने 20 ले लेते हैं, मैं इस बात को डिनाई कर ही नहीं रहा कि डिवेंचर सस्ता होता है, लेकिन डिवेंचर के कारण तो कंपनी रिस्की होता जा रहा है ना। यू आर हाईली इंडेटेड टू आउटसाइडर। किसी का टोटल कैपिटल है 5,000 करोड़, उसमें से 500 करोड़ का लोन है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4,500 करोड़ इक्विटी है, 500 करोड़ बाहर का है। एक कंपनी है जिसमें 5,000 करोड़ का कंपनी है जिसमें 4,500 करोड़ लोन है, खाली 500 करोड़ अपना है, बताओ रिस्क किसमें ज्यादा हुआ? तो जब रिस्क ज्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का मांग भी बदलना चाहिए। बट ये लोग क्या बोलता है, हमारा डिमांड सेम है। तो वही यहां पे लिखा हुआ था, रिस्क परसेप्शन डज नॉट चेंज विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये इसका अजम्पशन है। जब एनओआई पढ़ेंगे उसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो यहां पे क्या होगा, केओ गिरता जाएगा, केओ विल फॉल। डेप घुसाते जाओ, केओ का मजा लेते जाओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगा यहां। जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पे ऑप्शन वन, ठीक है, सोर्सेस डेप्ट इक्विटी, सीधा मैं वेट लिख रहा हूं, 10% डेप्ट मतलब 0.1, तो 90% इक्विटी होगा 0.9, यहां पे केओ 19 आया, ऑप्शन टू, अब मान लो वेट में 40-60 कर दिया, ये 10 और 20 ही रहेगा, देखो केओ गिर रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन चेंज करने से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जा रहा है। तो इधर में आप डेप्ट कंटेंट बढ़ाते जाइए, डेप्ट कंटेंट बढ़ाते जाइए मतलब इंटरेस्ट बर्डन बढ़ाते जाइए, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। क्या बोलते हैं? और अगर मान लो आपका भाड़ा का जगह है तो रेंट भी फिक्स कॉस्ट है, धंधा हो नहीं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। जो खर्चा मेरा बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, स्टाफ सैलरी, जगह का रेंट, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। और जो मेरा बोरोइंग से रिलेटेड है, जैसे डिबेंचर का इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। तो बोलता आप यहां पे फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाते जाइए, इंटरेस्ट पोर्शन बढ़ाते जाइए, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता जाएगा। लेकिन कुछ कुछ आदमी इसको ऐसे नहीं लेता, नेगेटिव ले लेता है, बोलता है डिबेंचर बढ़ाते जा रहे हो मतलब कंपनी रिस्की होता जा रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी रिस्की होता जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर लोग अपना मांग बदल देगा।
दे विल डिमांड मोर. An investor taking higher risk will always expect high return as compared to investor taking lesser risk or low risk. मैंने बताया risk return trade-off. तो ये मॉडल बहुत सिंपल है, इसमें यही लिखना है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5-6 नंबर का आएगा, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर डेप्थ इन द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस. कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होने से वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा. ये डायग्राम दिखा देना और ये दो ऑप्शन में दिखा देना. देखो 19 से 16 हुआ, अब मैं इसको 50 कर दूंगा तो 15 हो जाएगा. इस तरीके से ये केओ फॉल होता जाएगा. देख लीजिए, ठीक है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर है तो कैसा आएगा. नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब हो गया ईबीआईटी. ठीक है, ईबीआईटी दिया हुआ है 1.5 लाख. एट परसेंट डिबेंचर 6 लाख. केई दिया हुआ है 10%. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एंड केओ. ठीक है, सबसे पहले आप मेरे को बताइए वैल्यू ऑफ फर्म यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला से आएगा कि सेकंड फॉर्मूला से आएगा. कौन सा फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला में इंटरेस्ट और केडी चाहिए. वैल्यू ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला में क्या बोला, डेप्ट का मार्केट वैल्यू अलग निकाला जाता है, इक्विटी का अलग निकाला जाता है. तो डेप्ट का मार्केट वैल्यू के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए, वो आ जाएगा 6,08%. केडी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो वही केडी हो जाएगा बिकॉज देर आर नो टैक्सेस. ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या क्या चाहिए, परफेस चाहिए. तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करने से तो परफेस आ जाएगा. ईबीआईटी से अगर मैं इंटरेस्ट लेस कर दूं तो परफेस आ जाएगा ना, और केई दिया हुआ है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. अगर अपन को केओ दे देता तो सीधा ईबीआईटी बाई केओ करने से वैल्यू ऑफ फर्म आ जाता. तो हम लोग यहां पे कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी.
ठीक है. सो दिस इज इंटरेस्ट बाय केडी प्लस दिस इज परफेस बाय केई. सिक्स लाख का 8%. तो यहां पे निकाल लो, एक काम करो. ठीक है, ईबीआईटी कितना है? 1.5 लाख. इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, 1,02,000 आ गया ना. ईबीआईटी दिया, इसमें से इंटरेस्ट लेस करने से तो आ जाएगा, है ना. केई 10% दिया हुआ है, इसमें से सभी कुछ दिया हुआ था, खाली ये निकाला हम लोग. तो ये तो 6 लाख ही आएगा. इसको नहीं निकालने से तो भी चलता है, क्योंकि डिबेंचर का मार्केट प्राइस अलग से कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जो बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू हो जाएगा. और इसका 10,20,000 आएगा. तो यार हाँ, 1,02,000 by 10% तो 10,20,000 होता है, तो 16,20,000 इज द आंसर. ये पार्ट वन था. पार्ट टू केओ बोला है, बहुत सिंपल है. सोर्सेस डेप्ट इक्विटी अमाउंट. छह लाख, 10,20,000, 16,20,000. वेट निकालना पड़ेगा. कॉस्ट परसेंटेज मालूम है, 8, 10 डब्ल्यू इंटू के. छह लाख बाई 16,20,000 बताओ. Yeah.
सिक्स लाख बाय 16,20,000, ये तो इसी का तो वेट लेंगे ना, 0.37, तो 0.63 होगा ये, सम ऑफ तो 1 होता है ना, तो ये आ रहा 6.3, ये कितना आ रहा है, 2 पॉइंट कितना आ रहा है, 9.26। इसको अपने डिफरेंटली भी सॉल्व कर सकते थे, और वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या था, ईबीआईटी बाई केओ, तो केओ क्या होगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म ये 1.5 लाख था, ये 16,20,000 इंटू 100 करो कितना आ रहा है, 9.2। नहीं नहीं समझो चीज को, करना एक्चुअल में ऐसे ही चाहिए, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट। अभी हम लोग एक को क्या पढ़ा, जो बोलता है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेट ऑपरेटिंग
इनकम अप्रोच, तो ये तो बोलता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, इट इज नॉट अफेक्ट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। मतलब मार्केट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फाइनेंसिंग डिसीजन, मार्केट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फाइनेंसिंग डिसीजन। तो यहां पे वैल्यू ऑफ फर्म इज बाई द सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है? Assumptions, no taxes, only two sources of finance, ठीक है? केडी एंड केओ इज कॉन्स्टेंट, यहां पे के ही कॉन्स्टेंट नहीं है, परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स changes with the level of debt content. के ही चेंजेस, खाली यहां पे के ही चेंज होता है, इज इट ओके? नाउ ये अप्रोच बोलता क्या है,
अंडर दिस अप्रोच विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर डेप्ट कंटेंट फॉलोइंग टू सिचुएशंस अराइज सबसे पहले क्या बोलता है यूज ऑफ डेप्ट लीड टू केओ डिक्रीज एनआई अप्रोच मालूम है ये आप लोग को यूज ऑफ डेप्ट चेंजेस रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर राइट तो ये आपके लिए एडवांटेज का काम कर रहा है इक्विटी शेयर होल्डर का परसेप्शन चेंज हो रहा है मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का परसेप्शन चेंज हो रहा है मतलब क्या केई बढ़ेगा तो एज अ रिजल्ट केओ भी बढ़ेगा तो ये हो गया मेरे लिए डिसएडवांटेज तो ये इसके कारण केओ गिरेगा इसके कारण केओ बढ़ेगा तो एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज ये हो गया ऑफसेट तो केओ इज कॉन्स्टेंट यहां फायदा हो रहा है यहां नुकसान हो रहा है अब ये जो के ई बढ़ेगा ना ये उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा जिस प्रपोर्शन में डिवेंचर इंक्रीज हो रहा है एक होता है थोड़ा सा रिस्की हुआ आई मे नॉट चेंज माय परसेप्शन चलो चल जाएगा और थोड़ा रिस्की हुआ मैं अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज करूंगा और ज्यादा रिस्की हुआ तो मैं उसी प्रपोर्शन में अपना परसेप्शन चेंज नहीं करूंगा मैं और ज्यादा डिमांड करूंगा चीज समझो थोड़ा सा रिस्क आया आई मे नॉट आई कैन सिंपली इग्नोर जो एनआई अप्रोच में था एनओआई क्या बोल रहा है जैसे जैसे डेप्ट कंटेंट बढ़ रहा है आप अपना परसेप्शन चेंज करते जा रहे हो लेकिन जिस प्रपोर्शन में आपका डेप्ट कंटेंट बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन में तो यहां पे केई का फॉर्मूला है केओ प्लस केओ माइनस केडी डी बाई ई यहां पे केई इस तरीके से आएगा सर डिवेंचर सस्ता है डिवेंचर सस्ता आपके लिए एडवांटेज हो गया
इक्विटी महंगा होता जा रहा है, डिवेंचर यूज करने से आपका केओ फॉल होता है, ये अपने पहले देख चुके हैं। अब ज्यादा डिवेंचर यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर अपना परसेप्शन चेंज करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अपना परसेप्शन चेंज करेगा। जिस प्रपोर्शन में डिवेंचर बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन में चेंज करेगा। तो यहां केओ गिर रहा है, यहां केओ बढ़ रहा है, तो ये ऑफसेट होके केओ को कांस्टेंट रख देगा। वो उधर से गिरा रहा है, उधर से बढ़ा रहा है, तो केओ कांस्टेंट होगा। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, केडी तो कांस्टेंट रहेगा, केई चेंज हो रहा है, तो इसके कारण एडवांटेज डिसएडवांटेज सेट ऑफ, ये जो बढ़ रहा है ना ये डिसएडवांटेज है, इज ऑफसेटिंग द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लो कॉस्ट डेट, देयरफॉर KO is constant, therefore KO को constant रख दिया ये लोग। यहां पे अब leverage बढ़ाते जाइए, कौन सा leverage, financial leverage, interest वाला, इज इट ओके। चलिए ईबीआईटी 4 लाख, KO 10%,
कैलकुलेट वीई मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी, इफ कंपनी यूजेस 30%, 40% और 50% डेप्ट इन वैल्यू ऑफ इक्विटी, इफ कंपनी यूजेस 30%, 40% और 50% डेप्ट इन टोटल कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख, इंटरेस्ट रेट 5% ऑन डेप्ट। अच्छा क्वेश्चन में तो आपको बोल देगा कौन सा अप्रोच है, एनओआई अप्रोच। जिस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने दिया मतलब वो एनओआई होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी कब तक नहीं आ सकता जब तक के ही नहीं आएगा। नाउ सॉल्यूशन में अगर ध्यान देगा वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या चाहिए अपने को, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बाय के ई, अच्छा एक और क्वेश्चन है के भी निकालना है, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फाइनेंसिंग डिसीजन, वैल्यू ऑफ इक्विटी अपना इस तरीके से भी आ सकता है या वैल्यू ऑफ फर्म से वैल्यू ऑफ डिबेंचर माइनस कर देंगे। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि अपने को मालूम है वैल्यू ऑफ फर्म इजीली आ जाएगा, चार लाख बाय 10% 40 लाख, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग
वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड केई अंडर डिफरेंट ऑप्शन ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री. सबसे पहला वैल्यू ऑफ फर्म विल बी ईबीटीआई पे बाय केओ. इट इज इंडिपेंडेंट ना, कुछ भी तुम लोग यूज करो, वॉट एवर बी द डेप्ट इक्विटी कॉम्बिनेशन, सब में 40 लगाएगा. इसमें 30%, इसमें 40, इसमें 50 है, 20 लाख का टोटल कैपिटल है ना, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख. थर्टी फोर लैख, थर्टी टू लैख, दिया है ना टोटल कैपिटल 20 लाख है, उसका 30%, 40%, 50%. ठीक है, केई का फॉर्मूला क्या है? केओ प्लस केओ माइनस केडी इंटू D by E. हाँ ना, 10 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 6 बाय 34. टेन प्लस टेन माइनस फाइव, एट बाई 32. पहले सेकेंड पार्ट करो, 10 माइनस 5 इज 5, 5 इंटू 6 बाई 30 तक. फाइव इंटू 6 डिवाइडेड बाई 34 प्लस 10, 10.88 आएगा. इसका आएगा 11.25. इसका आएगा 11.67. देखो जैसे जैसे डिवेंचर का रेट इंक्रीज हो रहा है, डिवेंचर का कंटेंट, सॉरी रेट नहीं, कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, केई अपना मांग बढ़ा दे रहा है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया.
और लो कॉस्ट डेट एडवांटेज हो गया, दोनों सेट ऑफ हो गए, केओ 10%। क्या बोल रहे हो फिर? हाँ नहीं, मार्केट वैल्यू तो ज्यादा ही होता है ना बुक वैल्यू से। ये तो बुक वैल्यू है 20 लाख, दिस इज बुक वैल्यू। और मैंने तुमको बोला था ना डिवेंचर का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम रहता है, तो 30% ऑफ 20 लाख इज 6 लाख, मतलब 14 लाख इज बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी पहला केस में, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू 34 लाख आ रहा है। सेकेंड केस में 40% ऑफ 20 लाख इज 8 लाख डिवेंचर, इक्विटी 12 लाख, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू 32 लाख आ रहा है। डिवेंचर में बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम होता है। ओके बाय। बाकी मेथड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे।